एक खिलाड़ी जो है वो अभिनेत्रियों के मामले में तो खिलाड़ी नहीं है, काफी नाम हाँ, ये भी हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं लोग इतना बोल रहे, तो ऐसा कुछ तो नहीं हम दोनों ने एक गाना पे बना दिया, कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, मैं किसी और कहूं फिलहाल की तेरा हो जाऊं। अरे जो बवाल हुआ है, मतलब इतना बवाल हुआ, तो इनको हैंडल साइलेंट होते हैं ना, वो बहुत वायलेंट होते हैं। ये बताइए डायलॉग आ गया, एक डायलॉग भैया लोग, हर हर महादेव, हम है धर्म और हमारा ये लिट्टी है ना वो है बहुत गरम। आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारे शो में कौन आए हैं, अरे स्वागत करिए, स्वागत करिए गौरव झा साहब का, गुंजन पंत का जी। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत जोड़ी जो है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक जोड़ी जो है इस लिट्टी चोखा शो में बैठ रही है। तो सबसे पहले जो नियम और कानून है कि भाई कहें ना एक लिट्टी से शुरुआत करें, तो आप पहले इस लिट्टी को खाएं जो हमने बहुत मेहनत से और बहुत आशीर्वाद से भगवान के और मसाला वसाला डाल के बनाया है, और आप भी खाएं मैम। थैंक यू सो मच, आपकी लिट्टी चोखा मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैं दोबारा खाने आ गई। हाँ, एक चुकी हो। बहुत ही अमेजिंग था। अरे वो दिन हम जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ भाई, बहुत बड़ा कांड हुआ, वो हम आपको बात बताएंगे फुर्सत में। फिलहाल हम ये कहना चाह रहे हैं कि लिट्टी खाने के बाद जो है ना, है कैसा लगा? बहुत रवा भी खाई ना। अरे हम भी बहुत खाए और का। तो जो है हम ये कह रहे थे कि आप साथ में फिल्म भी कर रहे हैं। जी, कंप्लीट हो गई है। सैया है अनाड़ी। हाँ, अनाड़ी है सैया। हाँ, फिल्म में तो अनाड़ी ही है। और वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन लोग इनको खिलाड़ी कहते हैं। मतलब जैसे इन्होंने अपना फोटो डाला सैया है अनाड़ी का, तो इनको बहुत सारे कमेंट्स आए कि अनाड़ी नहीं खिलाड़ी। अब वो खिलाड़ी क्यों कहते हैं वो तो यही बेहतर बता पाएंगे। बताइए, पता नहीं क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं तो देखने सिंपल रहता हूँ, सीधा रहता हूँ, बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन फिर भी खिलाड़ी कहते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है मैं अनाड़ी टाइप से हूँ। खिलाड़ी जो है वो अभिनेत्रियों के मामले में तो खिलाड़ी नहीं है, काफी नाम। हाँ, ये भी हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं लोग इतना बोल रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अपने 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 फिल्म के बारे में बताइए, कैसे आपकी जोड़ी जो है साथ आई और पहला रिएक्शन क्या था एक दूसरे को देखने पहले? तो मैं ये बताऊँ आपको कि ये जो इन्होंने अभी कहा कि मैं बहुत ही सीधा हूँ, बहुत शांत हूँ, तो जब तक इनको कोई नहीं जानेगा ना धर्म जी, तब तक लगेगा कि वाकई ये बहुत शांत है। जब हम लोग फिल्म के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में पूरी गाड़ी गुजरात तक ही बड़े शांत शांत थे, एकदम कम बोलना है। लेकिन जिसके साथ ये कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो मुझे नहीं पता था ये इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कई बार। तो मतलब अभी हाल में हम लोग एक शो के लिए, शूटिंग के लिए हम लोग हिमाचल में थे, एंड आई रिमेम्बर कि एक दिन पता नहीं ये काफी बातों के मूड में थे। अच्छा, दोनों बहुत बोलते हैं, लेकिन उस दिन इन्होंने ना इतना बोला, एंड आई वॉज लाइक प्लीज क्या। अच्छा, पूरा सब कुछ नॉनसेंस, कोई काम की बात नहीं। अभी ऐसा होता है कि रुकना पड़ता है, मेरा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा सुनो। हाँ, दोनों हम लोग इक्वली है ना, इतना चैटर बॉक्स है ना, ये भी पटर पटर पटर, मैं भी पटर पटर, और सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो नेक्स्ट टाइम से प्लीज आप सुनने के लिए आ जाइए, बिकॉज हमको सारी बातचीत के बाद हमें पता ही नहीं होता कि हम दोनों ने क्या कहा, ना इन्होंने मेरी बात सुनी होती है, ना मैंने इनकी बात सुनी। और सिर्फ टाइम बीतते चले जा रहा है, मतलब नहीं निकल रहा है, दोनों इक्वली। अच्छा, इसका कुछ मतलब नहीं है। जब आपको पता चला कि आपकी फिल्म की हीरोइन गुंजन है, तो सबसे पहले क्या आया दिमाग में आपके? बहुत अच्छा था, क्योंकि इनको मैं बहुत पहले से जानता था। जब मेरी एक फिल्म थी कहर, तो उस फिल्म में इन्होंने एक स्पेशल सॉन्ग किया था, तो मेरा फाइट सीन था दिन में, इनका सॉन्ग था रात में, तो एक सिर्फ हाय हेलो करने आया था, तो ठीक से जान पहचान भी नहीं हुआ था। उसके बाद हम लोग इस फिल्म में दोनों एक साथ काम किए, 15-20 दिन ऐसा साथ में रहे, घुल मिल गए। मैं तो जैसा इन्होंने बताया कि मैं एकदम शांत होकर गाड़ी में गया, एक्चुअली मेरा नेचर है, जिसके साथ मेरा नहीं जमता है मैं बात नहीं करता हूँ, जम जाता है तो फिर बता ही दिया। जम जाता है तो फिर इनको चुप कराना पड़ता है। जम गया गुंजन के साथ, जम गया आपका? हाँ, बहुत अच्छी दोस्ती। कैसी केमिस्ट्री रही साथ में काम करते थे? बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली। देखिए, हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही गुड लुकिंग हीरो हैं, वेरी हैंडसम। पता नहीं ये ऐसी पर्सनालिटी देखिए, मतलब भोजपुरी, हॉलीवुड वाली पर्सनालिटी, भोजपुरी में क्या कर रहे हैं, मुझे इतनी प्रॉब्लम है। बड़ा कॉम्प्लीमेंट है भाई। मुझे भोजपुरी कम है क्या, हॉलीवुड है हमारे, लेकिन भोजपुरी है। लेकिन क्या होता है ना,
अभी भोजपुरी के जनरली हीरोज बहुत टॉल नहीं होते हैं, हीरोइंस भी यहाँ पे नॉर्मली हैं, बहुत टॉल वाली पर्सनालिटी वाले बहुत कम लोग होते हैं। इनके साथ हील पहन पहन के, अब जहाँ गाने सीन में तो चलिए पहन भी लें, चलना ही है, खड़े होना है, अब गानों में तो डांस भी करना है, इनके साथ इतना प्रॉब्लम होता था, मतलब मैं गिरते पड़ते रहते हैं पूरे टाइम, बिकॉज बिना हील के चल ही नहीं पाता, और इतनी हील पहनने के बाद भी इनके सामने सारी हीरोइंस लगभग बहुत छोटी है। मुझे हील वाला जूता अवॉइड करना पड़ता है, जैसे लड़के का भी रहता है हील थोड़ा सा जूता, वो अवॉइड करना पड़ता है, ऐसे ही हाइट इतना हो जाता है और हील पहने तो। रवि भैया की भी तो हाइट ऐसी थी, अच्छा गुंजन आपको एक बात बताएं कि बहुत सारे वीडियो जो हैं आपके और इनके टिकटॉक वाले जो है वायरल हुए, बहुत बड़ी तेजी से वायरल हुए, काफी लोग खुश हुए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, कुछ लोग बहुत नाराज भी हुए, और कुछ लोग ये भी आकलन लगाने लगे कि आप दोनों के बीच कुछ है। अच्छा ठीक है, प्यार मोहब्बत इस वैसे भी आप अकेले हैं, आप भी अकेले हैं, तो सच्चाई बताइए ना। मैं बताती हूँ हुआ क्या था। हम लोग शूटिंग कर रहे थे सैया है अनाड़ी की, तो हम लोग आई थिंक संजान में थे, तो संजान में हमारे सीन कंप्लीट हो गए थे और पैकअप हो गया था, तो टाइम था, तो हम लोग मुझे बहुत शौक है टिकटॉक का, ये भी बनाते रहते हैं, कम बनाते हैं लेकिन मुझे बहुत शौक है। तो एक दिन इसके पहले भी हम लोगों ने 2-3 टिकटॉक बनाए हुए थे, वो पता नहीं इतना लोगों का ध्यान नहीं गया, एक गाना जो वो बोलते हैं ना जो ट्रेंडिंग में होता है वो चीज़ बड़ी जल्दी चल जाती है, हम दोनों ने एक गाना पे बना दिया, कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं पहले कमाल की तेरा हो जाऊं, अरे जो बवाल हुआ है, मतलब इतना बवाल हुआ, लोगों ने इतना सारा इनके साथ कोई और हीरोइन होती वो भी उसके साथ भी करते, मेरे साथ कोई और हीरो होता तो मैं भी करती, कोई ऐसा नहीं, लेकिन वो ऐसा हो गया कि मतलब फिट हो रही थी ना, हमारी एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो एक्टिंग बहुत अच्छी है, लोग नहीं करते, हमें बता रहे ना उसमें आएंगे अभी ना, अच्छा बता रहे ना कि फिट हो रही उसमें आएंगे अभी, हमने बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दिए, इट मीन्स हम बड़े अच्छे एक्टर हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, और लोगों को क्या होता है ना जब दो गुड लुकिंग लोग होते हैं या सिंगर, तो क्या होता है लोगों की नजरें जल्दी यू नो आईज कैच करती हैं, तो वो हुआ था, शायद इनके साथ जोड़ी लोगों को पसंद आ रही होगी कुछ उस तरह का, तो मुझे इंडस्ट्री के इतने लोगों का फोन आया, एंड दे ऑल वर लाइक कि वाओ बहुत अच्छा लग रहा है, बट सबने अप्रिशिएट किया, ऐसा ये नई खबर आप दे रहे हैं कि वो तो नहीं। अच्छा, और उस वक्त भी इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा ये हो गए हैं क्योंकि आपकी बहुत ही करीबी दोस्त हैं, ग्लोरी हैं आपकी बहुत ही करीबी दोस्त हैं, और कहीं ना कहीं ये लेके चलता है कि आप दोनों में लव अफेयर है। अरे अभी तो आपने इधर बोला फिर उधर जोड़ दिया, मुझे कैसे कर रहे बदनाम सबके सामने, कन्हैया बने हुए हैं अभी तो, तीसरा अभी तो तीसरा नाम आया ही नहीं, अरे माय गॉड, तीसरा नाम तो थोड़ी देर बाद लेंगे कन्हैया। अच्छा ठीक है ना, आपको ऐसा लग रहा है ना, अच्छा मुझे नाम बताएं, आप बताएं, आपको नहीं ये खबर थी कि ग्लोरी के साथ इनकी बातें चलती है, आपको नहीं पता था? मुझे एक्चुअली शूटिंग के दौरान तक भी नहीं पता था, लेकिन ऐसे ही एक दिन कहीं से पता चला, तो मैंने कहीं से पता चला, देख रहे हैं शूटिंग के दौरान, उसके पहले तक नहीं पता था कभी, जबकि ग्लोरी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लवली एक्टर, लवली पर्सन, बट मुझे वो चीज़ें नहीं पता था, कभी सुनने में नहीं आया, एंड जब शूटिंग के दौरान पता चला तो आई वॉज लाइक अच्छी बात है, नाइस, ग्रेट। आप ही बता दीजिए ना यार, सच्चाई कहाँ है? सच्चाई कुछ नहीं, सब दोस्त हैं अच्छे। अब ग्लोरी ने भी एक बार आपके ही किसी शो में इंटरव्यू दिया था, तो मेरे बारे में बोला था कि शादी तो करना चाहती हैं यार भाई, तुमने टीवी पे प्रपोज किया था, मैंने वो इंटरव्यू देखा था, तो उसमें कुछ ऐसा, गौरव जिस सेट पे जाता है उसको प्यार हो जाता है, तब इसका तो मैं क्या जवाब दूं, अभी लोगों को लगता है ऐसा, एक टिकटॉक का वीडियो देख के लोगों को लगता है, तो मैं क्या इसका जवाब दे सकता हूँ? और उसका क्या कहेंगे, ग्लोरी जो है शादी की डायरेक्ट बात करती, प्रपोज करती है उसकी? नहीं, उसने तो मस्ती किया, मजाक किया, वो आपको ऐसे ही लगा, सबको लगा कि मस्ती मजाक कर रही है, बाद में तो उसने कहा कि मस्ती मजाक कर रहे हैं, ऐसा कोई सीरियस होके नहीं बोला था उसने। नहीं, आपके साथ में क्या है, आपके मतलब क्या दोस्ती है? हाँ दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है, पुरानी दोस्त है, कम से कम 3-4 साल हो गया। आपका नाम जुड़ता है आपके साथ?
तीसरा चौथा पांचवा छठवा आते ही जाएगा ना भाई। तो रितु को लेकर आप क्या कहेंगे, रितु के साथ कितनी घनिष्ठ मित्रता है आपकी? जब हम लोग पहली फिल्म किए थे साथ में बिन तेरे और साथी रे, तब से दोस्त और बहुत अच्छी दोस्त बनी। गुंजन स्माइल कर रही है, देखिए हमारी गलती नहीं, वो हंसे तो हम क्या करें भाई। हाँ फिर क्या हुआ फिर? बदनाम कर रहे हो। अरे यार गौरव भाई कहाँ बदनाम कर रहे हैं, बताइए ना फिर क्या हुआ फिर? तो हम लोग उस फिल्म में मिले और सेम कंडीशन में रिजर्व रहता था, बातें कम करता था। फिर वो भी बहुत चुलबुली है, बहुत बकबक बकबक करती है वो भी। तो बाद में जब मैं बोलने लगा तब वो दोनों का एक ही नेचर, जैसे अभी हम लोग में वैसा जमता है, दोनों बहुत बातें करते हैं, तो वैसा दोस्ती हो गया। फिर अच्छी दोस्त है ऋतु जो है, भी बहुत अच्छी दोस्त है भी। अब आपको और लोगों को जो लगता है, मुझे लगता है कि आपको ही लगता है, सबसे ज्यादा खबर आपको रहता है। अरे हम पत्रकार आदमी हैं और आप जैसे हमारे सज्जन दोस्त हुआ करते हैं, कुछ ना कुछ कहीं हमें पता चलता है, कहीं से लेकिन अच्छी बातें भी निकाली है कहीं ना कहीं। लेकिन ऋतु और ग्लोरी के बीच दूरी आई है? नहीं ऐसा नहीं है, दोनों दोस्त हैं, दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। अभी भी आप देखेंगे जाके सोशल मीडिया पे तो दोनों एक दूसरे के पोस्ट लाइक कमेंट करते हैं, तो दूरियां कहाँ हैं? देख रहे हैं ग्लोरी के पास ज़्यादा काम उम तो अभी है नहीं, तो आप अभी आपके पास ज़्यादा काम है क्या, कुछ हेल्प वगैरह कर सकते हैं आप, करते हैं कुछ इस तरीके से काम को लेके? क्या वो ऑलरेडी उसके फैंस फॉलोइंग ज़्यादा हैं, लोग उसको जानते हैं, इतने सारे मेरे ख्याल से 200-250 गाना कर लिया होगा उसने, तो उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट की ज़रूरत उसको पड़ती है जिसको, जो कुछ काम नहीं किया हो, तो ऑलरेडी काम किए लोग उसको जानते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब जानते हैं। मेरे ख्याल से 2-3 फिल्म है उसके पास अभी हीरोइन में, और एक गैंगस्टर दुल्हनिया में मेरे साथ की थी, और एक दो फिल्म कर रही है बस। आपकी भी शायद उनके साथ कोई फिल्म आ रही है? आ नहीं रही, अब सोचिए कि शूटिंग होने वाली है, फिर आप उस पर एक सवाल पूछेंगे। नहीं पूछे हैं हाँ शूट करने वाले हैं साथ में, अप्रैल में है। अच्छा जो पूछना है पूछिए, मैं तो एकदम नॉर्मली जवाब दूंगा। नहीं कुछ नहीं, और मिला जुला के कहानी बस इतनी सी है, ठीक है ना। एक चीज़ और बता दीजिए ना कि सच में अगर इतना लोग लाग कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अगर आप शादी की बात करना चाहें तो किस तरह की लड़की चाहिए, गुंजन जैसी, रितु जैसी या ग्लोरी जैसी? मेरे दिमाग में आता नहीं है, शादी वादी का काम का इतना प्रेशर है कि काम छोड़ के कुछ और दिखता नहीं है अभी, तो अभी शादी वादी का कुछ भी दिमाग नहीं आता। कैसी लड़की, लड़की जैसी भी हो, अच्छी हो, समझ ले मुझे, क्योंकि समझने वाली लड़की बहुत कम मिलती है। बस एक लड़का और कोई एक लड़की यही चाहती है कि एक दूसरे को समझे, बस जो भी मिले। आप कुछ कहेंगी? इनके जैसा तो ना हो, ये फॉर श्योर है कि इनके जैसा ना हो, बाकी हाँ कोई अच्छा सा हो, लेकिन फिलहाल मैं भी अभी शादी के मूड में नहीं हूँ, लेकिन कोई अच्छा बंदा मिलेगा तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। अरे कोनो बात नहीं। अच्छा अगर मैं आपको जिम्मेदारी दूं कि गौरव भैया के लिए कोनो बढ़िया वाली लड़की ढूंढनी है, ठीक है, तो आप कैसी ढूंढेंगे, कैसे कद काठी क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा, कैसे क्या होगा? इनके लिए लड़की, बापरे इनको समझना वाकई बहुत ही मुश्किल तो है, क्योंकि जितना मैं जान पाई हूँ ये दिखते बड़े शान शान से हैं और ऐसे दिखेंगे बड़े स्वीट से, लेकिन इनका गुस्सा भी बहुत ही बेकार वाला आता है, मतलब पहले आता नहीं है और आएगा तो एकदम लिटरली बेकार वाला आता है। तो इनको साइलेंट होते हैं ना वो, बहुत वायलेंट होते हैं, ये बताइए डायलॉग आ गया एक डायलॉग। हाँ तो इनको कोई बड़ी शांत सी, पता नहीं इनके लिए मैं सोचा नहीं कभी किस तरह की ये खुद बताएंगे ना कैसी लड़की चाहिए आपको, बताया तो जो मुझे समझ सके, कब मैं वायलेंट होता हूँ, कब मैं साइलेंट होता हूँ, जब मैं चुप रहता हूँ तो बर्दाश्त कर रहा होता हूँ, मतलब वो फेशियल एक्सप्रेशन रीड करना पड़ेगा, वो रीड करने वाली चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके हमारे लिट्टी चोखा शो में आने के लिए, आप दोनों का बहुत ही बहुत जो है धन्यवाद है, और हम तो चाहेंगे कि ये जोड़ी हमेशा सुपरहिट हो, बहुत सारी फिल्में आप लोग करें और जल्दी से जल्दी आप कोई बढ़िया हमारी खुशखबरी सुना दें, और गुंजन का तो इंतज़ार है ही। और जाते जाते अगर आप लोग अपने अपने फैन से कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कह सकते हैं। बिल्कुल, कि मेरी जितनी भी फिल्में आती हैं आप लोग बहुत प्यार देते हैं, सो और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम फिल्म वैसी करने की जिसमें एक भी वल्गर डायलॉग ना हो, डबल मीनिंग के गाने ना हो, मैं उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, स्टोरी पे ज़्यादा देख रहा हूँ कि स्टोरी अच्छी होनी चाहिए कि फैमिली एक साथ बैठ के देखे। तो आप मेरी आने वाली फिल्मों को देखिए और उसको अपना प्यार दीजिए जैसे देते आ रहे हैं, और हम दोनों की अभी फिल्म आ रही है सैयां हैं अनाड़ी, जो इसी मंथ में शायद रिलीज़ हो जाएगी, तो आप उस फिल्म को भी देखिए। धन्यवाद।
मैं भी थैंक यू बोलना चाहूँगी सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जो अभी तक इतना इस जर्नी में मेरा साथ देते आए हैं, इतना प्यार देते आए हैं, तो उनको हाथ जोड़ के बहुत सारा थैंक यू सो मच। एंड एट द सेम टाइम यही बोलूँगी कि मेरे आने वाले भी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, आप प्लीज़ उनको देखिए, अपना प्यार दीजिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, बहुत हार्ड वर्क होता है उसके पीछे, तो बहुत सारा प्यार दीजिए। और ज़िंदगी छोटी सी है, आपस में प्यार बांटिए, नफरत किसी से मत करिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और हम आप लोगों से इतना कहना चाहेंगे कि इन लोगों से अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपके जो जवाब हैं इनसे लेकर आप तक पहुंचा दें। आप जो हैं लिट्टी चोखा खाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस शो कैसा लगता है ये भी नीचे ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें ना। बिल्कुल, हर हर महादेव, हर हर महादेव।